सात साल बाद यूपी में वापस लौटने वाली है हिंदू युवा वाहिनी। योगी आदित्यनाथ मचाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल, कर ली है पूरी तैयारी। एक तस्वीर में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बदल दिए सारे समीकरण। हिंदू युवा वाहिनी होगी एक्टिव, फिर से पुराने वाले अवतार में नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया। अचानक योगी ने क्यों की हिंदू युवा वाहिनी के पुराने पदाधिकारी के साथ बैठक। जी, उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी अटकलों के बीच सीएम योगी की हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव होती दिख रही है। हाल में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो सकती है। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कई सारे नेता भी मौजूद रहे। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के गोरखपुर के जिला प्रभारी उदयभान सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान आया था, उसके बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने उदयभान सिंह से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर के जिला प्रभारी श्री उदयभान सिंह जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी और श्री शिवा सिंह जी भी उपस्थित रहे। सीएम योगी से ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी रहे पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से बड़ा बयान सामने आया था। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच उन्होंने कहा था कि हिंदू युवा वाहिनी आज भी पूरी तरह से तैयार है, उनके पुराने कार्यकर्ता आज भी सीएम योगी के साथ हैं, हमें बस योगी जी के एक निर्देश का इंतजार है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी की सेना तैयार है, बस सीएम योगी के निर्देश का इंतजार है। उन्होंने कहा कि संगठन को कुछ कारणों से भंग कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हमेशा भंगी रहेगा। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम योगी को हटाने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें अपने भी शामिल हैं। पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हमारी हिंदू युवा वाहिनी थी, वो सारे कार्यकर्ता आज भी सीएम के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी एक निर्देश देंगे और सभी फिर से एक्टिव हो जाएंगे, और ये मुलाकात उसी सिलसिले में एक इशारा समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से योगी अपनी पूरी टीम को तैयार कर देंगे, एक बार फिर से योगी हिंदू युवा वाहिनी को एक्टिव कर देंगे, और ऐसा करके न वो सिर्फ अपने आप को मजबूत करेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी यूपी में मजबूत करेंगे और एक बार फिर से 2027 की तैयारी में जुट जाएंगे।